तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो कल का क्वेश्चन दिमाग खिलाने वाला था, बट इजी था। हाँ, काफ़ी टाइम लगा उसे सॉल्व करने में, और जिन्होंने देखा होगा तो उनको मज़ा भी आया होगा। ठीक है, अच्छे से। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन कर लिए, बट वो सफिशियंट नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ उसी से रिलेटेड, मतलब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड। तो चलो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन है, अब्दुल ट्रैवल 300 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो अब्दुल नाम का एक लड़का है जो कि 300 किलोमीटर चल रहा है, किससे? ट्रेन से। एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी। और बंदा भाई ट्रेन के बाद डायरेक्ट तो घर तो पहुंचेगा नहीं, तो उसने टैक्सी ली और 200 किलोमीटर टैक्सी से गया। उसको टोटल टाइम देखो, टेकिंग द 5 आवर 30 मिनट, टोटल टाइम उसको 530 मिनट लग रहा है। तो इसे याद रखो, ये जो 5 आवर 30 मिनट है, ये या तो हावर हावर में होना चाहिए। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ बात करते हैं तो ऐसे बोलते, भाई 5.5 घंटे लगे अपन को चलने में, ऐसे नहीं बोलते ना, 5 घंटे 30 मिनट लगे, है ना नॉर्मली। तो या तो मिनट मिनट में बोलो या तो हावर में बोलो। ठीक है, तो मैं इसको हावर में कंप्लीट इसको कन्वर्ट करूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ हावर में है कुछ मिनट में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 30 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी हावर, तो आप तुरंत बोल देंगे, सर 1/2, ये यानी हाफ आवर हुआ, है ना। तो पहले तो हम 5 आवर 30 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे रफली, कि हमें मालूम है कि 5 आवर, इधर मैं शॉर्ट में सॉल्व करता हूँ, 5 आवर 30 मिनट। अगर मैं इसकी बात करें तो इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करूंगा, 5 प्लस एंड 30 को हावर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड। अब ये ओवरऑल कन्वर्ट हो चुका है हावर में, ओवर, क्लियर है ना। अब बात करते हैं 5 प्लस, इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 बचेगा, और सॉल्व करोगे कंप्लीट सिंप्लीफाई तो 5 2 10 प्लस 1 11/2 आवर ये निकलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं 5 आवर 30 मिनट इज इक्वल टू 11/2 आवर। ठीक है, 11.5 घंटे मत सोच लेना भाई, 11.5 घंटे हो गए क्या सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बट इफ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर, अभी सेकेंड केस, 260 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर बाई टैक्सी, सो ही टेक्स 6 मिनट लॉन्गर। 6 मिनट लॉन्गर का मतलब 6 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो हम 6 मिनट को भी कन्वर्ट कर लेंगे हावर में, तो 6/60, दैट मींस 1/10, है ना, 1/10 आवर। और ये 1/10 आवर इसमें मैं ऐड कर दूंगा, एलसीएम लेके बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट ऑफ द टैक्सी। ओके, तो यानी कि मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन भी पता करनी है और टैक्सी की भी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो मुझसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा वो लेट कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, अभी ट्रेन की स्पीड क्या लेट करते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, है ना एक्स। अब क्योंकि स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर होगा, क्यों भाई, सही है ना, KMPH, एनी प्रॉब्लम। आगे, एंड स्पीड ऑफ टैक्सी, भाई टैक्सी की भी स्पीड फाइंड आउट करनी है, YKMPH किलोमीटर पर आवर। इसके बाद क्वेश्चन में दो केसेस दिए हैं, उन केसेस को यूज करेंगे। तो सबसे पहले केस नंबर वन, अकॉर्डिंग टू द केस नंबर वन या क्वेश्चन क्या लिया है, 300 किलोमीटर एंड 200 किलोमीटर, लेकिन रिजल्ट किस में लाना है, टाइम में। तो इसको हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे, और टाइम में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, सिंपल करना क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो ये स्पीड्स गिवन है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके हम टाइम निकाल लेंगे, लास्ट टाइम मैंने बताया था। तो केस में दे रहा है कि वो 300 किलोमीटर जा रहा है, किस स्पीड से, एक्स की स्पीड से। इससे टाइम निकल आएगा कि ट्रेन से वो कितना गया, प्लस 200 डिवाइडेड बाय वाई, ये टाइम निकलेगा कि वो टैक्सी से कितना गया। लेकिन उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर 30 मिनट, है ना। अब आप 5 आवर 30 मिनट को, 5 आवर 30 मिनट इज इक्वल टू कितना निकाला था मैंने, 11/2 आवर, है ना। तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 300/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 11/2, क्लियर है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। ओके, अभी नाउ केस नंबर टू। सो अकॉर्डिंग टू द केस नंबर टू क्या दे रहा है, इफ
ही ट्रेवल 260 किलोमीटर, सो 260 डिवाइडेड बाई एक्स बाई ट्रेन से क्योंकि, और 240 डिवाइडेड बाई वाई क्योंकि वो टैक्सी से जा रहा है। टोटल टाइम कितना ले रहा है, 6 मिनट लॉन्गर, 6 मिनट ज्यादा, तो यानी कि हम बोल सकते हैं 5 आवर 36 मिनट, यही बात हुआ ना। अब हम यहां पे 5 आवर 36 मिनट को कन्वर्ट करेंगे। चलो रफ में कन्वर्ट करते हैं, पहले 5 प्लस 36 बाई 60, यही तो करेंगे क्योंकि हावर में कन्वर्ट करना है। ओके, इसको सॉल्व करो, 5 प्लस 6, 6 जा 30, 6 10 जा 60, ठीक है, क्लियर है ना। अब आप इसको और सॉल्व करिए, चाहे तो आप और इसको और भी शॉर्ट में कर सकते हैं, बट इतना काफी है। 10 5 जा 50 वैसे कट जाएगा, 5 आएगा उधर और इधर पे, ठीक है, तो बट कोई बात नहीं, 5 10 जा 50, 56, तो ये 56 बाई 10 आ जाएगा। ओवरऑल मैं 10 में रख रहा हूँ, 10 बेस काफी ठीक रहता है सॉल्व करने में, ठीक है। तो 56 बाई 10 ये इक्वल है 56 बाई 10 हावर। ओके चलो अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 260x प्लस 240y इज इक्वल टू 56 बाई 10, ठीक है, 56 बाई 10, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करेंगे, रिड्यूसिंग मेथड, यहाँ पे आप रिड्यूसिंग मेथड यूज करेंगे, और रिड्यूसिंग मेथड में हमने बताया था कि हम एक वेरिएबल के प्लेस पर किसी दूसरे वेरिएबल को पुट कर देते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, 1 upon x minus y को a लेट कर लो, 1 upon x plus y को b लेट कर लो, ऐसे ही हम यहाँ पे बताएंगे, 1 by x को आप a लेट कर लीजिए, 1 by y को b लेट कर लीजिए। तो लेट, यहां लिख देता हूं मैं, लेट 1 by x इज इक्वल टू a एंड 1 by y इज इक्वल टू b, ठीक है, एंड रिप्लेस टू द इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो चाहे तो आप इसे, सो द इक्वेशन बिकम, सो इक्वेशन नंबर 1 and 2 बिकम क्या, ये बन जाएगा 300 a प्लस 200 b इज इक्वल टू, 300 a 1 by x के प्लेस पर a, 1 by y के प्लेस पर b, 200 b इज इक्वल टू 11 by 2। इस 2 को आप रिप्लेस कर दीजिए, मतलब ट्रांसफर कीजिए इस साइड, तो मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 3 2 जा 600, 2 2 जा 400 इज इक्वल टू 11, और ये आ गई हमारी एक ब्रांड न्यू इक्वेशन, इसको मैं दे देता हूं a। अब आगे सॉल्व करता हूं, एंड 260 a, 1 by x को आपने a लेट करा था, 1 by y को b, एंड 240 b इज इक्वल टू 56 बाई 10। आप 10 को सेकेंड साइड ले जाइए तो ये बन जाएगा आपका 2600a 2400b इज इक्वल टू 56। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर b। अब आपको a और b को किसी मेथड से सॉल्व करना है, और बहुत इजी है, आप सॉल्व करके देखिएगा, फिर भी चलो मैं कर दूंगा। आप यहां पे 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24, क्योंकि 6 के टेबल में 26 नहीं आता, इसलिए हम a के कोफिशिएंट को सेम नहीं कर सकते। यहां राइट कर देता हूं मैं, ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग 6 इन इक्वेशन नंबर a एंड सॉल्व विथ इक्वेशन नंबर b, ठीक है, b में सॉल्व कर दूंगा। सो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3600, 6 4 जाए 24, 100 b, यहाँ पे a लिखना भूल गया मैं, सॉरी, 11 6 जा 66, तो ये बन गया 66। मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है ये, और यहाँ 56, इसीलिए मैंने 10 लिया था, ठीक है, इजी होने के लिए। सो माइनस 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 ये हो गया कैंसल आउट, यहां कितना बचा 1000 a इज इक्वल टू कितना बचा 10, सो a का वैल्यू कितना आ गया 10 upon 1000, मतलब 1 by 100, है ना। अब a को आपने क्या लेट करा था,
वन बाई एक्स, तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई हंड्रेड। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 kmph। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। बट ये तो अभी आपकी एक ही वैल्यू आई है एक्स की, अब आपको वाई का भी वैल्यू निकालना है। ये आपका होमवर्क है कि यहाँ पे पुट कीजिए और वाई की वैल्यू निकालिए। आंसर आएगा 80 किलोमीटर पर आवर, वाई का वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर, बट आपको करना है। चलो फटाफट पॉज करके नोट करो। तो ये हो गया आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे कुछ वर्क टाइप क्वेश्चन करेंगे, यानी मैन एंड वर्क एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर एज टाइप, हर टाइप के अलग अलग वीडियो में आपके क्वेश्चन मिलेंगे, एक साथ नहीं डालूंगा, नहीं तो आप कम ही देखेंगे, ओके। जिससे आपको बहुत ज्यादा डाटा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टाइम में मिल जाए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।